नमस्कार, मैं हूं सोनिया जयसवाल। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। थाने शहर में पिछले कई दिनों से कलवा की सड़कों पर चलते हुए महिलाओं को अपनी जान हथेले पर लेकर चलना पड़ रहा है और इसकी प्रमुख वजह धूम स्टाइल बाइक पर रफ्तार से आकर सोने के आभूषण पलक झपकते चुरा ले जाने वाले चोर हैं। फिलहाल शादी का मौसम होने के कारण महंगे सोने के आभूषण पहनकर बाहर निकलने वाली महिलाओं को चोरों ने अपना प्रमुख निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह के बढ़ते अपराधों को देखते हुए इन चोरों की दहशत पर लगाम लगाने हेतु कलवा पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं तथा कलवा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोहर आभर और क्राइम PI आजगांवकर ने चोरों को पकड़ने के लिए विशेष दस्ते का गठन भी किया है। पुलिस ने 3 मामलों में कुख्यात चेन स्नैचर शंकर राजकुमार प्रताप उर्फ कामले को गिरफ्तार कर उसके पास से 1,38,000 रुपए का जेवर जब्त किया है। पुलिस फिलहाल उसके साथी हिप्पो उर्फ गणेश की तलाश कर रही है, जो चोरी की घटना को अंजाम देते समय मोटरसाइकिल चलाता था। आइए सुनते हैं इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त व्यंकट आंधले ने क्या कहा है। कड़वा पुलिस स्टेशन के एरिया में मंगलसूत्र चोरी के चालू साल में 7 गुने हुए हैं। उसमें से ज़्यादा गुने डिटेक्ट होने के लिए हमने हमारे सीनियर PI आवाड़ साहब, क्राइम के PI आजगांवकर साहब और हमारा PSI DB के PSI कौड़े और इनका स्टाफ को PI आवाड़ साहब ने ये किया था, सूचना दिया था। तो उसके ऊपर से इन्होंने एक जो CCTV फुटेज मिलते हैं और दूसरा जो हमारे बातमीदार है इनसे कुछ डिस्कस करके एक शंकर राजकुमार प्रताप उर्फ कांबड़े जो कड़वे का रहने वाला है इसके बारे में कुछ मालूमात मिला था, उसको ताबे में लिया। उसको पूछताछ करने के बाद उसने अभी तक 3 गुने जो है किया ऐसा उसने कबूल किया है और उसके पास से 1,38,000 रुपये का माल जब्त किया है। सर, क्या करते हैं जो अभी तक? तो जो शंकर है उसके खिलाफ में तो कोई हमारे पास ऑफिस नहीं है। 3 गुने हैं जो उसने किया है, उसका माल भी दिया है और कबूल भी किया है उसने। हिप्पो जो है दूसरा आरोपी अभी तक मिला नहीं है और उसके बारे में मालूमात मिलती है कि उसके ऊपर कुछ गुने दर्ज है, अभी जल्द मालूमात लिया जाएगी और इनके खिलाफ में जो भी जिधर भी गुना किया है उसकी मालूमात लेके आगे का काम किया जाएगा। सर, चोरी का उद्देश्य क्या हो सकता है? कि बेरोजगारी हो सकती है या काम ना मिलने की वजह से हो सकता है? देखो, ये तो AG मनी है, ऐसा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि टारगेट उनको फिक्स करना कोई आसान बात नहीं है। कोई लेडी अगर अकेली चलती है तो उसका खींचना इतना उसको तो तकलीफ का नहीं है, तो इसीलिए वो लोग AG मनी के लिए वो खींच के लेके जाते थे। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM News के साथ।